ये तेलंगाना में बीआरएस सरकार ने 10 साल में तेलंगाना को बिल्कुल बर्बाद कर रखा। भाइयों और बहनों, यहाँ की ही बात करें, आरटीसी बस डेपो की भूमि पूजन 1988 में हुआ था, मगर इसका बस डेपो आज भी नहीं बना। और यहाँ के विधायक बस डेपो के लिए एलोटेड भूमि को कब्जा कर वहाँ शॉपिंग सेंटर बना। अब भाई, शॉपिंग सेंटर में बस खड़ी रह सकती है क्या? रह सकती है क्या? मैं केसीआर को पूछना चाहता हूँ, अगर विधायक ने शॉपिंग सेंटर बस स्टेशन की जगह पे बना दिया तो आपने टिकट क्यों दिया? अरे भाई, क्या आप समझ नहीं रहे हो, टिकट का भी वहाँ डीलिंग होता है। डीलिंग होती है, हजारों करोड़ का घोटाला केसीआर ने किया है। केसीआर को लगता है कि कुछ नहीं होगा। केसीआर, चैन की नींद मत सो, आपका समय अब समाप्त हो चुका है। जितने भी घोटाले किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच कर भ्रष्टाचार करने वालों को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अब समय आ गया है कि हमारा तेलंगाना राज्य समग्र देश में एक नंबर का राज्य बने, ऐसी सरकार यहाँ पर लानी। एक कांग्रेस पार्टी और केसीआर की पार्टी बीआरएस ये तेलंगाना को एक नंबर का राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ मंत्री बनाने के लिए डाइनिंग टेबल पर टेंडर निकाल कर कोटेशन मांग कर कौन ज्यादा पैसा देता है वो मंत्री बनता है, जो जनता का आदमी है वो मंत्री नहीं बनता है। केसीआर को कौन पैसा देगा, कांग्रेस पार्टी को कौन पैसा देगा, वो मिनिस्टर बनता है। ये भ्रष्टाचारी केसीआर को हटाने का समय। उन्होंने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है। मैं आज कहकर जाता हूँ, आप भाजपा सरकार बना दो, 4% मुस्लिम आरक्षण हम रद्द कर ओबीसी और एसटी को देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाओगे? जोर से बोलो, दबाओगे? हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताओगे? तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे। कमलम पुवुकु वोटिद्दाम, बीजेपी ने गेलिपिद्दाम।